मोतिहारी में पैदल चल रहे थे तो लोगों ने कहा भैया मोदी जी 14 में हम लोग को ठग लिए, बोले कि ये चीनी मिल मोतिहारी का चालू कराएंगे, इसी मिल के चीनी से चाय पिएंगे तो वोट मांगने आएंगे। 14 के बाद 5 को चुनाव हो गया, मोदी जी 5 बार आ गए, जो चीनी मिल था उसका एक एक धूर जमीन वहां के भाजपा के नेताओं ने कब्जा कर लिया। वहां का पब्लिक ऐसा है कि फिर वही एमपी, वही राधा मोहन सिंह, वही भाजपा को जिता कर भेजा और फिर कहता है कि भैया चीनी मिल चालू कराइए। बाहर है भैया, बाबा कितना होशियार है। अरे आप कह रहे हैं कि आपको नेता ठग रहा है, नेता ठगेगा तो एक बार ठगेगा, दूसरा बार आप संभल जाइएगा, दो बार ठगेगा, तीसरा बार आप संभल जाइएगा। ऐसा कैसे है कि आप 6 बार से ठगाइए रहे हैं? अगर हर बार आप ठगे जा रहे हैं तो इसका एक ही मतलब है कि कहीं ना कहीं कमी आपके हमारे सोच में है। जब आदमी निरुत्तर हो जाता है तो कहता है भैया बात तो सब ठीक है, हम लोग के पास विकल्प नहीं है, क्या करें विकल्प नहीं है। तो मेरे भाई अगर विकल्प नहीं है तो विकल्प बनाने के लिए पंजाब से आदमी नहीं आएगा, इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके जाति की संख्या नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको राजनीति का चुनाव का समझ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप में बिहार को सुधारने का जज्बा है, नियत है, काबिलियत है तो पैसे का चिंता, चुनाव का चिंता, जीतने हारने का चिंता अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए और नया विकल्प बनाने के लिए खड़ा होइए। आप खड़ा होइए, अपने और अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। विकल्प का रोना रोना बंद कीजिए। आपका भाई इतना ताकत है मेरे पास कि आपको अपने संसाधन से लड़ाकर जिताकर लाएंगे, लेकिन खड़ा तो आपको होना पड़ेगा। अपने बीच से चुनकर बताइए कि कौन ऐसा आदमी है जो आगे बढ़ा दिया जाए, जिसके पीछे ताकत बुद्धि संसाधन लगाकर आपके आशीर्वाद से जिता कर ला दे तो आपका और आपके समाज का भला होगा। यही अभियान का लक्ष्य है।